खबर है मुझ में कुछ मेरे सिवा मौजूद है। थाट भैरवी में कौन कौन से कॉर्ड्स लगते हैं? मेजर माइनर कॉर्ड्स, जो कि थाट बिलावल में, कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो दिया था जिसमें आपने सीखा था कि थाट बिलावल में पहली काली से कौन कौन से कॉर्ड्स लगेंगे, तो उसी तरह से आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पहली काली से थाट भैरवी में कौन कौन से कॉर्ड्स लगते हैं, मेजर माइनर। तो पूरा वीडियो देखिए और जानिए कि कौन कौन से कॉर्ड्स जो हैं थाट भैरवी में लगते हैं। घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रियाज ऐप, एक बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन जिससे घर बैठे आप हिंदुस्तानी, कर्नाटक और बॉलीवुड संगीत सीख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो इसमें हर प्रकार का संगीत आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए ये एप्लीकेशन और घर बैठे सीखिए संगीत रियाज ऐप से। मेरे पिता गुरु पंडित अवध किशोर पांडे जी की लिखी हुई एक गज़ल है, उसका एक मतला उसके दो मिसरे थे। कंपोजिशन इसकी जो है, कंपोजिशन वो मेरी ही है, बहुत पहले मैंने बचपन में कभी गाई थी, बनाई थी, तो ऐसे ही आज मूड हुआ। ये भैरवी में है क्योंकि, इसीलिए मैंने इसका जिक्र करना लाजमी समझा, क्योंकि आज हम जानने जा रहे हैं थाट भैरवी में हमारे जो कॉर्ड्स हैं कौन कौन से मेजर माइनर लगते हैं। तो कॉर्ड्स के बारे में एक ब्रीफ बता देता हूँ, वैसे तो सब हम पहले भी सीख चुके हैं, जान चुके हैं, मगर एक रिविजन हो जाएगा। दो प्रकार के बेसिक कॉर्ड्स जो हैं वो मैं आप सभी लोगों को बताने जा रहा हूँ, जो कि होते हैं मेजर कॉर्ड्स और माइनर कॉर्ड्स। मेजर कॉर्ड्स यानी सा ग प ग शुद्ध से बनते हैं, और माइनर कॉर्ड्स सा ग प ग कोमल से बनते हैं। अब थाट में कॉर्ड्स को निकालना और आइडेंटिफाई करना, इसके लिए आपको स्केल्स का नॉलेज आना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब हम अभी देखेंगे, जैसा कि आपने बिलावल थाट में देखा होगा, तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि जैसे ही सा से निकालते हैं तो अलग कॉर्ड बनता है, रे से निकालते हैं तो रे को हमें सा मानना पड़ता है कई बार, और रे को हमें कई बार ग मानना पड़ता है, रे को प मानना पड़ता है। तो अगर जैसे ही रे को सा ग प इन तीनों में से कोई सुर मानते हो तो स्केल बदल जाता है। तो इसलिए स्केल्स का नॉलेज होना आवश्यक है कि पहली काली से सारेगामा पधनिसा क्या होते हैं, दूसरी काली से सारेगामा पधनिसा क्या होते हैं, है ना। अगर ये मालूम है आपको तो आप हर स्केल से सा ग प बना सकते हो, और जैसे ही सा ग प बना लिया आपको कॉर्ड मालूम चल जाएगा। ये कॉर्ड्स पता करना एक बेनिफिट होता है जब आप लाइट म्यूजिक गा रहे हो, या फिर लाइट म्यूजिक के साथ गिटार या कीबोर्ड बजवा रहे हो, तो आप बता सकते हो कि यहाँ जो है हम फला कॉर्ड जो है वो चाहते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे लीड में ही सब कुछ बजे, जैसे अब मैं अगर कुछ गा रहा हूँ तो मैंने पंचम पे टिकाव दिया, ठीक है, सा रे गा मा पा धा पा, तो अब पंचम का गिटार अगर हमें चाहिए होगा तो हमें मालूम होना चाहिए कि पंचम पे कौन कौन से कॉर्ड्स लग सकते हैं, ना। ये तीनों कॉर्ड अभी जो मैंने लगाए, इनमें जो पंचम जो है भैरवी का पंचम वो इन्वॉल्व था। अब कौन सा कॉर्ड उस समय उस सिचुएशन में उन स्वरों में सूट करेगा वो देखने वाली बात होती है, इसीलिए हमें सारे कॉर्ड्स जो हैं पता होने चाहिए, और कॉर्ड आइडेंटिफाई कैसे करते हैं वो पता होना चाहिए। इसलिए पूरा वीडियो देखिए और जानिए कि भैरवी में किस किस प्रकार से कॉर्ड्स का प्रयोग हम कर सकते हैं और कौन कौन से कॉर्ड्स हम लगा सकते हैं। मेजर और माइनर दो ही बेसिक प्रकार के बताऊंगा, लेकिन स्केल्स का नॉलेज होना आवश्यक है, ये मैं पहले ही बता देता हूँ, ठीक है, पूरा वीडियो देखिए। थाट भैरवी पहली काली से अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले तो आपको वो सारे जो स्वर हैं वो याद होने चाहिए कि ये सा, कोमल रे, शुद्ध रे,
कोमल ग शुद्ध ग शुद्ध म तीव्र म प कोमल ध शुद्ध ध कोमलनी शुद्धनी। ये 12 स्वरों का सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए ताकि ये हर जगह से आप निकाल पाओ। भले वो अगर इसको सामानोगे तो ये सा कोमल रे शुद्ध रे कोमल ग शुद्ध ग शुद्ध म तीव्र म प कोमल ध शुद्ध ध कोमलनी और शुद्धनी, है ना। ये भले ही इस सुर से हो इस सुर से हो, हर सुर को सामान के आपको ये बजाना आना चाहिए। उसके बाद आप जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे जो है सा ग प को ढूंढना। तो वो ये अगर सा हमारा है, जैसे आप भैरवी अगर एक बार बजा लेते हैं तो क्या सुर बनते हैं, सा कोमल रे कोमल ग म प कोमल ध कोमल नी और सा। ठीक है, अब यहां से सा ग प निकालना शुरू कीजिए। तो सबसे पहला कॉर्ड बनता है आपका सी शार्प माइनर, सा कोमल ग प। इसको किस किस तरीके से बजा सकते हैं आप, है ना। मैंने आपको पहले ही बताया था सा ग प हर सप्तक में ढूंढना है। सा ग प, ये प नीचे, ये ग नीचे, ये सा नीचे, सा ग प सा ग प, ये ग प सा ग, या प सा ग प, या सा ग प सा। हर तरीके से इसको आप बजा सकते हैं, ठीक है। फिर अगर हम आते हैं अगले पे ऋषभ पे, तो ऋषभ से बनता है तो ये कॉर्ड बन रहा है। इसमें ये क्या, अगर इसको सामान लिया है तो सारे ग म प, सारे ग म प, तो सा ग प। तो ये आपका डी है और ये डी मेजर है आपका सबसे, है ना। इसको ऐसे भी बजा सकते हो, 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 पर ये कॉर्ड नहीं बदलेगा, कॉर्ड वही रहेगा। किसी भी तरीके से बजाओ, सा ग प प सा ग, है ना। तो ये आपका डी मेजर है। फिर आते हैं इस पर, तो ये आपका ई है और ये सारे ग म प सा ग प, ये ई मेजर आपका तीसरा कॉर्ड है। पहला बना, फिर है ना, इसको भी अलग अलग तरीके से बजा सकते हो, प सा ग, है ना। ये भी एक कॉर्ड है, डिपेंड करता है आप भैरवी के बजाते समय कौन से स्वरूप में किस स्वर पर हो, उस पर निर्भर करता है आप कैसा कॉर्ड लगाओगे। जैसे यहां से शुरू कर रहा हूं, अब यहां मैं ये नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैं ज्यादातर मंद्र यानी खरज और मध्य में हूं, तो ये लगाऊंगा, यहां अपन ने मध्यम का देख लिया था, है ना। ये गंधार तक पहुंच गए थे, सी शार्प डी मेजर ई मेजर। फिर आते हैं एफ शार्प माइनर पे, सारे ग कोमल म प सा ग प। इसको भी बजाने के कई तरीके हैं, जैसे कि एक ये एक एक, है ना, सा। तो ये ग प सा करके बजाया प सा ग, ये प सा ग करके बजाया सा ग प, सा ग प करके बजाया ग प सा, ग प सा करके बजाया, है ना। तो ये एफ शार्प माइनर हो गया। फिर आते हैं अगला पंचम का कॉर्ड, तो वो है ये वही सा ग प ही है, यानी ये सी शार्प माइनर ही है। पंचम से अलग से कुछ नहीं बनेगा क्योंकि पंचम से सा, अगर सारे गम पा धनी सा निकालो तो सारे ग, है ना। भैरवी में जो जो सुर लगते हैं अपने, ये भैरवी में नहीं लगता, ये लगता है, तो सा ग पा ये बनता है। लेकिन जो पंचम इसका बन रहा है वो हमारा पहली काली के हिसाब से शुद्ध ऋषभ है, जो कि भैरवी में नहीं लगता है, भैरवी थाट में नहीं लगता है। तो पंचम से कोई कॉर्ड नहीं बनेगा, पंचम पे सा वाला ही कॉर्ड इस्तेमाल करेंगे हम, उसी को ऐसे बजा लेंगे। फिर आते हैं धैवत के कॉर्ड पे, तो वो बनता है जो कि है सारे ग सा, ये आपका ए स्केल है, सारे ग म प सा ग प। तो ये ए मेजर आपका कॉर्ड बनता है। इसको कैसे कैसे बजा सकते हो,
भैरवी के हिसाब से देखें तो ये सा ग ध बज रहा है, ग ध सा बज रहा है, ध सा ग बज रहा है, लेकिन ये सा ग प जो है ये इस स्केल का है और इसमें सा ग प हम ये माइनर का इस्तेमाल नहीं कर रहे क्योंकि ये भैरवी में ये स्वर नहीं लगता है, है ना। तो कौन कौन से हो गए, सी शार्प माइनर, डी मेजर, ई मेजर, एफ शार्प माइनर, और इससे तो बनी नहीं रहा था कोई, और इससे क्या बना, ए मेजर। फिर आते हैं इस पर, है ना। अब इसके सारे गामा पता नहीं सका लो, सारे गामा पा सा गा पा, तो बी से मेजर तो नहीं बन सकता लेकिन माइनर बन सकता है, है ना, क्योंकि ये जो है कोमल ऋषभ है, ये कोमल नहीं है, ये मध्यम है, और दोनों ये बाकी तीनों सुर हमारे जो है भैरवी में प्रयोग आ रहे हैं, है ना। तो ये हमारा आखिरी कॉर्ड है, ये हमने देख लिया, ये हमने देख लिया, ये देख लिया, है ना। ये जो कॉर्ड है ये नहीं बन सकता है क्योंकि ये सागा पर नहीं बन रहा है, सागा तीव्र म है, सागा पर ये बनता है लेकिन वो बजेगा नहीं क्योंकि ये हमारा शुद्र रे है। तो आपने सारे कॉर्ड्स देख लिए मेरे ख्याल से, है ना। बस वही अलग अलग सप्तकों के हिसाब से बज जाता है ये। अब अगर इसको मिक्स बजा के बताऊं तो इस प्रकार से ये इसके कॉर्ड्स बनते हैं। तो देखते रहिए, ये एक सीरीज है जिसमें मैं दसों थाटों में बताने वाला हूँ। बिलावल और भैरवी में बता दिया है, अब आगे कल्याण में, भैरव में, काफी में, सब मैं दसों थाटों में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से कॉर्ड्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही देखते रहें संगीत प्रभाव का चैनल, और लाइक कमेंट शेयर करें, मास्टर निषाद प्रोडक्शंस को भी सब्सक्राइब करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताएं कि आपको और कौन कौन सा टॉपिक चाहिए जिस पर मैं वीडियो बना सकता हूँ। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।